like a Hellcat. राम राम भाई, सारे भाइयों को राम राम है। और तो आशा करता हूँ भाई सभी के घर परिवार बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बता भाई, देखो कुछ खास वो नहीं है, लेकिन देखो आज एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। तो कल सुबह के दो बच्चे हैं चीची करते हुए, छोटे ही बच्चे आए हुए हैं, किसी के छतरी के बच्चे हैं। एक इस टावर पे बैठा है, कल सुबह के घूम रहे हैं भाई ये, और ये एरिया में, इसी एरिया में, और एक इस पे बैठा है टावर पे, दोनों टावर पे एक एक बच्चा बैठा है, दोनों साथ के ही बच्चे हैं। और वहाँ पे जो गांव में ले रखा भाई, उस भाई के बच्चे हमारे यहाँ पे, ठीक है, उसके निकलने हुए हैं जाल से, यहाँ पे ले रखा है। जाल दिख भी रहा होगा, छतरी भी दिख रही होगी आपको, ठीक है। तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, मतलब कल सुबह के निकले हुए बच्चे, आज इनको अभी भी देख लो टाइम हो गया भाई, 3 बज चुके हैं अभी तक ये, मतलब घूम फिर रहे हैं अच्छी तरह। कल तो पता क्या हुआ, रात को मैं बना नहीं पाया वो वीडियो, ये तो बनाता रात को, मैंने लाइट डाल के दाना वाना डाल रहा था, तो ये रात को भी उड़ रहे थे। एक अब बच्चे, मतलब रात को भी बैठते बैठते, एक बच्चा मेरी छत पे यहाँ पे बैठ गया था, मैंने वीडियो नहीं बनाई जहाँ पे कबूतर बैठा है। तो फिर वो रात, क्योंकि ये लाइट देखो, ये लाइट सिर्फ आगे की तरफ यहाँ पे ही रोशनी करती है, यहाँ पे डब्बे पे रोशनी नहीं हो पाती, इसलिए वो डर के उड़ गया फिर अचानक से, क्योंकि छतरी का तो था ही भाई, छत पे कैसे बैठ सकता है। तो छत पे भी यूं बैठ गया वो कि बस उसको अंधेरे में दिखा नहीं होगा। तो देखते हैं आज ही अगर ये बच्चे आते हैं तो मैं आपको इनको दिखाता हूँ, आएंगे बाकी ये उड़ेंगे, तो देखते और कितने दिन में वापस जाएंगे अपने घर पे, या उस बाइक के पास नहीं जाएंगे, या फिर किसी और के पास जाएंगे तो शोक करवाऊंगा, ठीक है। दोनों बच्चे इस पे बैठे हुए हैं भाई, एक तो बिल्कुल ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, एक यहाँ इस पे बैठा हुआ है। तो उड़ते ही शोक करवाऊंगा भाइयों को, बाकी ये मैंने कबूतर अपने खोल रखे हैं, ठीक है। धूप अच्छी निकली हुई है तो धूप लगवानी बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, नहीं तो कबूतर बीमार हो जाएंगे। कबूतर में जितनी भी सुस्ती सर्दी की वो है ना, सारी निकल जाएगी। धूप लगवाया करो भाई कबूतरों को, बच्चों को भी लगवाया करो, छोटे छोटे को, ठीक है, बाहर निकाल के। तो वीडियो को कंटिन्यू करूँगा भाई, ठीक है, जैसे वो उड़ते हैं। तो भाई वो बच्चा देखो उड़ गया, ये कहाँ पे गया, ये रहा ये बच्चा, ये रहा ये जो बच्चा है जो उड़ा टावर पे से, वो शायद दूसरे वाला बच्चा कहीं लंबा निकल गया, बाकी ये बच्चा है भैया, पूरे दो मतलब एक दिन से भी ऊपर हो गया इस बच्चे को, भूखा रहे, ठीक है, टावर पे बैठेगा मेरे हिसाब से, या फिर ये घूमेगा फिरेगा, देखते हैं आता है कि एक ये बच्चा ये घूम रहा नीचे नीचे किसी का, एक ये है पता नहीं किसका घूम रहा है, ये पता नहीं भाई किसका है, बाकी ये मेरा उड़ रखा है ये वाला। और वो बच्चा देखो ये रहा भाई, कितने प्यार से उड़ रहा है ना, कितने हल्के पर लेके उड़ रहा है, इस जिस तरह से उड़ रहा है ना, दिखाता हूँ देखो, शाम कर सकता है बच्चा, ठीक है, और शाम तो उड़ेगा, मैं देख रखी इसको, कल भी रात को मतलब बैठते बैठते निकल गया था। तो इसका एक भाई और है, वो शायद उस टावर पे बैठा है अभी, तो देखते हैं भाई आएगा तो मैं शोक करवाऊंगा, बाकी ये मेरे हिसाब से आएगा नहीं, ये बागी हो जाएगा, जंगली में मिलेगा, बैठेगा नहीं किसी के, वो बात अलग ही, कोई पकड़ ले जाए भूखे प्यासे को, ठीक है। तो वीडियो कंटिन्यू करूंगा, वीडियो के साथ बने रहो, जो होगा दिखाऊंगा भाई, ठीक है। तो भाई देखो शोक करो बच्चों का उनका, ये देखो ये वो बच्चे हैं, क्या शानदार चाल चल रहे हैं, देख लो, ऐसा लग ही नहीं रहा कि बाहर के बच्चे हैं, मतलब प्योर पंजाबी कबूतर बच्चों की ये निशानी होती है, चीची करते हुए बच्चे हैं। और कल सुबह से ना कुछ दाना पानी ना कुछ, इन्होंने एरिया नहीं छोड़ा, इसी एरिया में उड़ रहे हैं पूरे दिन के, कल फिर रात को टावर पे बैठ गए थे, फिर आज सुबह उठ के, अब देख लो ये इतने एरिया में घूम रहे हैं, ये टावर है ना, इससे आगे नहीं जा रहे, और मेरी छत है इससे ज़्यादा आगे नहीं जा रहे, ये होते हैं प्योर पंजाबी कबूतर। अभी तो थोड़े ऊपर हैं, देखो ये आए, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे खुद के ही हैं, ये देखो, ठीक है। तो देखते भाई किसकी किस्मत खुलेगी, किसके हाथ में जाएंगे ये, मेरे हिसाब में तो किसी की किस्मत नहीं खुलेगी भाई, ये बग्गी होएंगे मेरे हिसाब में, जहां तक मेरा कबूतरबाजी में एक्सपीरियंस है। वो देखो वो है वो बच्चे,
मैं बता रहा भाई, टावर से आगे नहीं जा रहे और टावर पे ही बैठेंगे मेरे हिसाब से। देखते हैं ऐसे कितने दिन तक ये रहेंगे। देखो देखो कितने लाजवाब पर मार रहे हैं ना भाई, क्या बताऊं मैं इन बच्चों के बारे में। बहुत ही शानदार नस्ल है। बाकी अपने कबूतर ऊपर दाना खा रहे हैं, कुछ ये खा रहे हैं, ठीक है। ये देखो अपने कबूतर तो ये रे दाना खा रहे हैं, जंगली कुछ ज्यादा ही आ गए हैं। तो ये रहे वो बच्चे, दिखाता हूँ आपको फिर से। ये देखो ठीक है भाई, बहुत शानदार उड़ रहे हैं। तो वीडियो कंटिन्यू करूंगा भाई, देखते हैं रात के टाइम पे वीडियो कंटिन्यू करूंगा, बताऊंगा कि टावर पे बैठे या फिर ठीक है। तो भाई अभी देखो मैंने अगले दिन की वीडियो है, ये जो आपने पीछे देखी वो पिछले दिन की थी, आज अगले दिन है। और आज ये बच्चा, मैं अभी आया था बाहर से, 3 बज रखे हैं और आज ये बच्चा आके बैठा है छत पे। एक बच्चा इसका भाई पता नहीं, वो कुई ने दबा दिया था, वो कहाँ पे निकल गया। लेकिन आज ये बच्चा, इन 2 बच्चों में से एक बच्चा आज आके बैठा है छत पे। अरे खुले थे कबूतर तो उसी में बैठा है, मैंने बिठाया भी नहीं। अब पकड़ने की ट्राई करता हूँ। वो बैठा भाई कून पे, वो वहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। डरा हुआ बहुत छोटा सा बच्चा है, तो आपको शोक करवाऊंगा एक बार। उसको इस साइड कर देता हूँ मैं, ठीक है। बहुत शानदार नस्ल है। तो भाई पानी पे देखते, ट्राई करते, दाने पे तो आ नहीं रहा, बाकी डरा हुआ छतरी का बच्चा है ना, इसलिए छत पे पहली बार है, क्योंकि वो छतरी का, प्योर छतरी का बच्चा पंजाबी। तो इस साइड करके ट्राई करता हूँ मैं पकड़ने की इसको। तो वीडियो बना रहे हैं भाई, अब इस साइड करूँगा जब, वीडियो कंटिन्यू करता हूँ एक बार, ठीक है। तो भाई देखो ये बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, नीचे नहीं जा रहा भाई। देख लो 2-3 दिन हो गए इसको कम से कम। ये बच्चा है जो दूसरे नंबर पे, ये सामने मेरा कबूतर है, इसके सामने आगे ये बच्चा बैठा हुआ है, मकोया काली अखो हुआ बच्चा, छोटा चीजी करता हुआ बच्चा है, बिल्कुल टूटा पड़ा भाई। फिर भी मैंने पानी भी डाल दिया वहां पे, जब भी नहीं जा रहा, नीचे देख रहा है पर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जा नहीं रहा, इतना पक्का बच्चा है ये। ये देखो ये बच्चा है, ये छोटा सा, ये जो नीचे उतरा ये बच्चा है। कंडीशन देख लो भाई, इतने दिन हो गए इसको, इसका भाई पता नहीं इसके साथ था ना, देखो वो बच्चा वहां पे दबा दिया था कुई ने, वो घर के पास, फिर वो दिखाई नहीं। तो ये बच्चा देखते भाई आएगा कि नहीं आएगा, आना तो चाहिए मेरे हिसाब से, पर बाकी देखते हैं। बाकी मैंने कबूतर कबूतर अपने वो कर रखे हैं, दड़वा खोल रखा, देखो वहां पे पानी भी तरड़ा के देख लिया, पानी भी उस पर भी नहीं आ रहा, आने की कर रहा नीचे लेकिन आ नहीं रहा, इतना पक्का है। एक बार जहाँ पे पंजाबी कबूतर की यही खासियत है भाई, एक बार जहाँ पे उड़ गए तो उसी जगह पे उड़ते हैं, मतलब इतने एरिया के पक्के होते हैं। और ऐसे ही बच्चे बाजी जताते हैं दड़ों की, ठीक है। तो आ जा, आ आ आ आ आ, 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 आ। ये मेरे कबूतर आएंगे ना भाई नीचे, जब भी आएगा ये, अरे ये मेरे वाले आ नहीं रहे, आ जा, आ आ आ आ आ, आ, आ। आ जा, आ आ आ आ। ये देखो भाई जंगली का क्या हाल कर रखा है, तेल में पूरा काला हो रखा है। ये देखते भाई कंटिन्यू करता हूँ वीडियो, जब ये नीचे आएगा तब कंटिन्यू करूंगा वीडियो। तो भाई देखो मैंने अपने सारे कबूतर निकाल दिए लगभग, फिर भी ये बच्चा देख लो अकेला बैठा हुआ है शायद, देख लो ये होते भाई नस्ले। ये मेरा एक लाल बच्चा, ये नीचे जाए शायद, इसके पीछे चला जाए पर लग नहीं रहा। ये देखो लो टूटा पड़ा है भाई, बिल्कुल 3 दिन हो गए इसको, या तो इसने पहले छत पे बैठ के दाना खा लिया है, मेरे हिसाब से तो खाया नहीं होगा, पर अभी भी नहीं आ रहा। देख लो बच्चा, कबूतर मैंने खोले हुए अपने, और ये जैसे ही उड़ाना भाई फिर नहीं आएगा, एक बार उड़ गया तो। अभी देखो कर तो रहा है आने की, जैसे कबूतर वो देख रहा है ना नीचे जा रहे हैं तो आने की कर रहा है, इतना छोटा सा बच्चा तब भी।
चल आ जा। ये लाल बच्चा तो यहाँ पे ही बैठ गया। अब मैं ज्यादा छेड़ नहीं रहा क्योंकि उड़ जाएगा फिर ये दिक्कत हो जाएगी। बहुत अच्छी नस्ल का बच्चा भाई, बहुत अच्छी नस्ल जिसको बोलते हैं। ठीक है तो वीडियो कंटिन्यू करता हूँ भाई जैसे ही नीचे उतरता है। तो भाई देखो अभी अभी नीचे उतरा है, बिल्कुल अभी अभी। ये रहा ये बैठा हुआ बच्चा, अभी अभी उतरा, बिल्कुल अभी अभी। अब देख लो खड़ा हो गया, ये कबूतर ऊपर आ गया ना इसलिए। तो दड़बे अभी दाना वाना है नहीं यहाँ पे, ये शायद देखते हैं क्या होता है। ये इस कबूतर की देखे देख ऊपर आ गया फिर से भाई। बहुत शातिर बच्चा, बहुत भूखा प्यासा देख लो। ये मतलब जगह पहचान रहा है, जगह पहचान रहा भाई कबूतर को देख लो। देखते हैं क्या होता है, अब की बार नीचे जाएगा फिर से। अगर ये कबूतर नीचे जाएगा इसके पीछे जाएगा, मेरे हिसाब से जाना चाहिए। ए ए जा जा जा, देख लो भाई ये खासियत होती है पक्के कबूतरों की, असली नस्ल की ये पहचान है और ये खासियत है। और मैं इतनी गारंटी दूंगा भाई, आज पकड़ के अगर इसको दूसरे दिन उड़ाऊंगा ना तो ये कहीं पे भी नहीं जाएगा, मेरे को इस बात की गारंटी है पूरी। ये अपनी जगह पहचान रहा है, खतरा देख रहा है, कहीं खतरा तो नहीं है। तो भाई नीचे ये देखो, ये कबूतर मेरा उतरेगा, इसके शायद पीछे चला जाए तो। ये एक गया 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 गया, ये उतरा नीचे, अभी ऊपर भी जाएगा। ये बेट देख लेना, मेरे को पक्का यकीन है ये ऊपर जाके बैठेगा उस चेड, या फिर ये पानी की तरफ, पानी वहां पे डला हुआ है ना उस पे जाएगा। मेरे हिसाब से छत पहचानेगा अभी फिलहाल तो। देखते हैं क्या होता है, अंदर जाएगा सीधा, देखते हैं भाई। खाएगा पहले तो यार कुछ, क्योंकि तीन दिन हो चुके हैं भाई इसको, या फिर अंदर जाएगा। क्योंकि छतरी वाले यही होते हैं भाई, जाल के अंदर रहते हैं ना, छत का इतना पता नहीं होता उन्हें। तो मैं इसको अंदर करने की कोशिश करता हूँ, या देखता हूँ अपने आप चला जाए तो। पीछे रहना थोड़ा, इसको छत पहचानने देता हूँ, छत पहचान लेगा ना तो ठीक रहेगा भाई। मिक्स हो जाने तो इसको थोड़ा घुल मिलने दो। दाने की तरफ जा रहा है, वहां पे कबूतर वो ईट खा रहे हैं ना, तो उसकी तरफ जा रहा है, सोच रहा हूँ वहां पे कुछ खाने का है तो मैं दाना डालता हूँ भाई, देखता हूँ नीचे से लाके। देख लो बीट खा रहा है भाई, देख लो तीन दिन हो गए बच्चे को भूखे को। तो मैं नीचे से दाना लाता हूँ फिर वीडियो को करता हूँ कंटिन्यू भाई। मेरा कबूतर खुद गुटक रहा है इस पे। ओ शिट, लो हो गया काम, हो गया काम। बैन चो दिए, ये कबूतर खुद मारे कबूतर, इसको वो नहीं करना चाहते। ये फिर से ऊपर जाएगा, ये देखो ये बैठा हुआ, ये ऊपर जाएगा मेरे को लग रहा है। मैं नीचे से जाना लेकर आता हूँ भाई भाग के। कितने ले, ये देख लो भाई ये बैठा हुआ, ले 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 आ जा, ले ले आ आ आ आ आ आ आ, ले ले। देख लो भाई जब भी नीचे नहीं आ रहा दाने को देख के।
देखते हैं भाई अंदर ही, अपने आप ही अंदर ही जाएगा। मेरे को दाने पे भी नहीं आ रहा है ना, पानी पे आया लगता है इसने यहाँ पे पी ली पहले बैठ के ही, पर लग नहीं रहा है इसकी हालत से क्योंकि पोटा भी खाली खाली सा लग रहा है। तो ट्राई करते भाई, देखते हैं आता कि नहीं आता, वीडियो कंटिन्यू करूँगा नीचे उतर लेगा जब। भाई देखो भाई ये उड़ गया था, ये फिर से आया है। अब दाने खाने अब शुरू करे इसने, दाने खाने देख लो, अब जाके दाने खा रहा है। मैंने एक जगह डाल दिए, ये बच्चा है ठीक है, अब दाने खा रहा है पानी। इसको थोड़े दाने पे उठाने की कोशिश करता हूँ, मैं कैमरा सेट कर देता हूँ भाई यहाँ पे, देखना आप। ये जो बच्चा है पहले नंबर पे, तो भाई पकड़ लिया है। 3 दिन बाद इसका पोटे में दाना वाना तो है, लगता है भाई इसने चाय तो बीट खा रखी है या फिर इसने पहले दाना खा लिया है छत पे, इसलिए शौक करो बच्चे का। पीली आंखों का बच्चा बनेगा ये, पीली आंखों में कितना शानदार बच्चा है भाई। ये इसके पंख है, ये इसके देख लो बीट वीट कैसे लगी हुई है। 3 दिन भाई बाहर रहा बच्चा, ये 3 दिन रहा बाहर ठीक है। तो ये वो बच्चा है जो अब इसकी किसकी थोड़ी वो करनी पड़ेगी ठीक है भाई। ची ची करता हुआ बच्चा बिल्कुल, बहुत शानदार बच्चा। तो ये वीडियो थी भाई, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट में, और वीडियो को सब लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना आगे आने वाली वीडियो के लिए भाई। तो भाई यो बच्चा है देखो, ये बच्चा है और मतलब इसकी देखभाल चालू है। बाकी अपने किसी काम का ना भाई, छतरी का बच्चा है हो, कोई भाई छतरी वाला शौकीन हो जिसने अच्छी हो तो देख लियो भाई, छतरी पर लगा लगाया बच्चा है, स्टार वाली छतरी का बच्चा है ये। और उड़ार आपने देखे ली, और कंडीशन 3 दिन हो गए इस बच्चे को भाई, एरिया नहीं छोटा बच्चे ने। मेन खास बात इसकी दड़े वाले कबूतर की मेन खासियत यही है कि भाई एरिया ना छोड़ते, छोटे से छोटे गांव में डट जाएं। तो यो बच्चा भाई देख लो, किसी भाई ने इंटरेस्ट हो तो खरीद सका है, मेरा नंबर दे दूंगा इस पर जिस भी भाई को खरीदना हो। और लोकेशन अपनी भादरगढ़ है हरियाणा, दिल्ली के पास में पड़ा है बाकी ठीक है। तो यो बच्चा देख लो, चाहिए हो तो किसी भाई को कॉन्टेक्ट कर लेना भाई। और उडार उडार आपने देख ली भाई बच्चे की, और कितना पक्कापन है वो भी देख लिया ठीक है भाई।